जम्मू प्रोविंस पीपल्स फोरम का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर ओपी शर्मा जी, श्री रामरतन शर्मा जी, श्री पवन शिव जी और मेरे साथ अविनाश भाटिया जी, साथ में श्री बलवान सिंह जी और श्री सतवीर मन्हास जी। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है, ये आप सभी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की सब इंस्पेक्टर पोस्ट की जो लिस्ट जो अभी आउट हुई है, उसी के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो रिज़ल्ट आया है उससे हमारे बच्चे जो हैं वो से सेटिस्फाइड नहीं है। सभी बच्चों को ये लग रहा है कि इस लिस्ट में किसी प्रकार की धांधली हुई है और ये लिस्ट जो है इसको हम फेयर नहीं मानते हैं। लिहाजा सरकार से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जल्द से जल्द या तो सीबीआई की इंक्वायरी कराएं या आप किसी रिटायर्ड जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हों, उनके माध्यम से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। देखिए, एक और यहाँ पर बात उड़ रही है कि बच्चे जो है वो री एग्ज़ाम मांग रहे हैं। हमारी बच्चों से बातचीत हुई है और इसमें बच्चों का ये कहना है कि ये अभी इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आप कोई री एग्ज़ाम करवाएं। आप अभी आप पहले जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जल्द से जल्द वो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें एलजी साहब का जो आश्वासन इन लोगों को मिला है कि एलजी साहब ने कहा कि हम जल्द ही इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन वो इंक्वायरी जो एलजी साहब ने कही है वो किसी चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल के माध्यम से होनी है। लिहाजा ऑफिशियल जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल जो इंटरनल इंक्वायरी जो होगी, इसमें बच्चों का कहना है कि ये इंक्वायरी जो है ये थर्ड पार्टी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। ये इंक्वायरी जो है ये ऐसा नहीं कि ये इंक्वायरी आप दो महीने या दो साल लगा दें, इसमें ये इंक्वायरी विद इन डेज जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के कैरियर का मसला है, बच्चों के हितों का सवाल है। आज आप सभी जानते हैं इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस वक्त हाईएस्ट मैं समझता हूँ कि एक बर्निंग इशू है पूरी कंट्री में, पूरे हिंदुस्तान का। अगर आप इस वक्त एम्प्लॉयमेंट आप देखें, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो करीबन 7.5% है, लेकिन मुझे बच्चे जो यहाँ बता रहे हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है, कि 40% के आसपास है। तो इसलिए